ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर, संगम युग पर। जो मनुष्य अपने जीवन के महत्व को जानता है, जो मनुष्य अपने डिवाइन इंटेलेक्ट के महत्व को जानता है और अपने मन की शक्तियों को भी पहचानता है, वह सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। तो आइए हम अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाएं, रिफाइन करें, क्लीन करें। मनुष्य को आदत पड़ गई है कलयुग के इस माहौल में अपनी बुद्धि में बहुत सारी गंदगी भर लेने की, और वो गंदगी अंततः योग युक्त नहीं होने देती। वही बुद्धि में समाई हुई गंदगी व्यर्थ संकल्पों का कारण बनती है। हमें तो अब व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ की ओर चलना है। एक महान पथ के हम राही हैं। हमें इस राह पर चलकर अपनी श्रेष्ठ मंजिल को पहुंचना है। याद रखेंगे बाबा का एक महावाक्य, जैसे जादूगर हाथ की सफाई से कमाल दिखाते रहते हैं, वैसे ही यदि तुम्हारी भी बुद्धि की सफाई हो जाए तो कमाल होने लगे, चमत्कारिक शक्तियां तुम्हारे पास आने लगे। तो हम अपनी बुद्धि को क्लीन करें, जैसे स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री ने चलाया है। अब क्लीन द इंटेलेक्ट, ये अभियान हम सभी ब्राह्मणों को चलाना है। क्लीन योर माइंड एंड क्लीन योर इंटेलेक्ट। इससे हम संसार में बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकेंगे। मन को क्लीन करेंगे अर्थात अपने एटीट्यूड्स को पॉजिटिव करेंगे, मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करेंगे, तो मन बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। बुद्धि जो हमारा थर्ड आई है, थर्ड आई ऑफ विजडम, इस आई से हम भगवान को देखें, अपने सभी स्वरूपों को देखें। इसके लिए इस आंख को क्लीन करना परम आवश्यक है। इसमें हम सद्विवेक भरते हैं। अगर हमारे मन में गंदगी होगी, तो डिवाइन विजडम सद्विवेक हमारी बुद्धि में ठहरेगा ही नहीं। बुद्धि में यदि हम वरदान धारण करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि में यदि हम भगवान को बैठाना चाहते हैं, तो सचमुच हमें इस बुद्धि को क्लीन पात्र बनाना पड़ेगा। गंदगी में भला भगवान कैसे बैठेंगे? तो चेक कर लें, हमने अपनी बुद्धि में किसी के लिए वैर भाव तो नहीं रख लिया है? अपने अपनी बुद्धि में किसी के अवगुण तो धारण नहीं कर लिए हैं? हमारी बुद्धि में इम्प्योरिटी तो नहीं आ गई है? हमारी बुद्धि दैहिक आकर्षणों में तो नहीं भटकने लगी है? सचमुच बुद्धि एक बहुत सुंदर गॉडली गिफ्ट है हम सभी के साथ, और भगवान के बच्चों को तो उसने डिवाइन विजडम दे दी है, जिससे हम बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे और जन्म जन्म ये श्रेष्ठ बुद्धि हमारे साथ चलेगी। तो हम अपनी बुद्धि को जैसा सुंदर यहाँ बनाएंगे, वैसी ही बुद्धि हर जन्म में हमारे पास रहेगी। तो आइए दृढ़ संकल्प लें कि हम अपनी बुद्धि में किसी भी गंदगी को स्थान नहीं देंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये क्या क्यों, ये परेशानियां, ये सब बुद्धि में समाई हैं। बुद्धि धारणा शक्ति है। इस बुद्धि को हम बिल्कुल क्लीन करके डिवाइन बनाएंगे। तो आज हम अपनी बुद्धि में अपने परम पिता को बैठाएंगे और बुद्धि को, बुद्धि के इस तीसरे नेत्र से परम धाम को देखेंगे, सूक्ष्म लोक को देखेंगे, गोल्डन एज को देखेंगे और अनुभव करेंगे उन स्थानों का।
और लक्ष्य रखेंगे कि हमें अपनी बुद्धि को डिवाइन बना देना है, चमत्कारिक बुद्धि बना देना है जो चारों युगों को यहाँ बैठे ही देख सके। तो आज प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा को देखेंगे 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड बाबा को परम धाम में देखेंगे, फिर 10 सेकंड आत्मा को देखेंगे, फिर 10 सेकंड परम धाम में बाबा को देखेंगे, ये ड्रिल, और फिर 10-10 सेकंड सूक्ष्म लोक में बाप दादा से मुलाकात करेंगे। ओम शांति।